Welcome to my YouTube channel, and this is the video on Petromycin part 7 by science lovers, so you can love to learn science. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोमाइसिन और लैम्प्रे के हार्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शनिंग के बारे में. जो लैम्प्रे का या पेट्रोमाइसिन का हार्ट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिर्फ दो चैम्बर प्रेजेंट होते हैं वहाँ उसके अंदर, ओरिकल एंड वेंट्रिकल. उसके अलावा साइनस वेनोसिस प्रेजेंट होता है एंड कॉर्नस एट्रियोसिस प्रेजेंट होता है. सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो. लेट्स वी टॉक अबाउट द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ द पेट्रोमाइसिन. तो जो सबसे पहले हार्ट है पेट्रोमाइसिन का, वो एक एस शेप्ड हार्ट है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. एस शेप्ड हार्ट है और दो चैम्बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ऐसे ही पेट्रोमाइसिन का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है. और 2 चैम्बर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, एक ओरिकल एंड सेकेंड इज वेंट्रिकल. ओरिकल एंड वेंट्रिकल 2 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन इट. और इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है हार्ट, तो हार्ट जो प्रेजेंट होता है पेट्रोमाइसिन के अंदर वो बिहाइंड द गिल्स प्रेजेंट होता है, गिल्स के बाद में. फिर जो हार्ट है, हार्ट इज़ कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम. मींस जो आउटर लेयर होती है हार्ट की वो क्या होती है, पेरिकार्डियम होती है. और पेरिकार्डियम को कौन सपोर्ट करती है, कार्टिलेजिनस प्लेट जो होती है उस पेरिकार्डियम को, आउटर वॉल को सपोर्ट करती है. और फिर जो पेरिकार्डियम है वो खुद ही एक पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होती है. पेरिकार्डियम जो है वो एक पेरिकार्डियल फ्लूइड से फिल्ड होती है. अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग चैम्बर्स के बारे में. ओरिकल और वेंट्रिकल के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस. जो ये साइनस वेनोसस है, तो जो साइनस वेनोसस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या स्ट्रक्चर है, ये एक थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. थिक वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द ओरिकल एंड वेंट्रिकल. ये हमारा ओरिकल रहा, ये वेंट्रिकल रहा, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, साइनस वेनोसस. जो साइनस वेनोसस होता है इसका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम द बॉडी. बॉडी से ब्लड कलेक्ट करना इसका मेन फंक्शन होता है साइनस वेनोसस का. जो साइनस वेनोसस है वो अपना ब्लड कलेक्टिंग का जो फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करता है, या फिर किसके थ्रू करता है, वो करता है डक्टस क्यूवीरी के थ्रू. ये रहा डक्टस क्यूवीरी के थ्रू, या फिर हिपेटिक वेन और यहाँ पे एक कार्डिनल वेन होती है, उनके थ्रू क्या करता है, ये ब्लड कलेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है. और जो ओपनिंग है जो साइनस वेनोसस के अपर्चर की, उसको कौन गार्ड करता है, उसको गार्ड करते हैं साइनस ओरिकुलर अपर्चर. साइनो ओरिकुलर अपर्चर क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं. अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरिकल के बारे में. तो जो ओरिकल है वो ओरिकल एक थिन वॉल्ड सैक है जो किसके अंदर ओपन होता है, वेंट्रिकल के अंदर, थ्रू अ एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है. तो जो ओरिकल है इस अपर्चर के थ्रू वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, ओपन होता है. और इसको कौन गार्ड करते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व. एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपर्चर के पास ही, तो वो क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग को गार्ड करते हैं. उसके बाद हम आते हैं वेंट्रिकल के ऊपर. तो जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल क्या है, एक थिक वॉल्ड सैक है. थिक वॉल्ड है, जैसे कि ओरिकल था, ओरिकल जो था थिन वॉल्ड था, ठीक है. इसकी वॉल्स देखो यहाँ पे थिन है एकदम. और जो वेंट्रिकल है वो थिक वॉल्ड है, इसकी वॉल्स क्या है, थिक है, मोटी है. फिर जो थिक कॉर्ड्स हैं वेंट्रिकल की, वो अटैच होती है टू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व. एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पे ओरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व प्रेजेंट था.
ओरिकल है। ओरिकल किसके अंदर ओपन होएगा? कॉनस आर्ट्रियोसिस के अंदर। जो कॉनस आर्ट्रियोसिस है वो पुअरली डेवलप्ड होता है इन लेम्फ्रे। जो पेट्रोमाइजन है या लेम्फ्रे है उसके अंदर ये पुअरली डेवलप्ड होता है। और ये कॉनस आर्ट्रियोसिस कहाँ से ब्लड रिसीव करता है? फ्रॉम वेंट्रल ओर्टा। तो वेंट्रल ओर्टा से कॉनस आर्ट्रियोसिस क्या करेगा? अपना ब्लड रिसीव करेगा। फिर इस जो बैकफ्लो है ब्लड का रोकने के लिए कॉनस आर्ट्रियोसिस के अंदर सिर्फ एक पेयर ऑफ सेमिल्यूनार वेल प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक पेयर होता है सेमिल्यूनार वेल्स का जो प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन कॉनस आर्ट्रियोसिस। तो ये था सारा स्ट्रक्चर हार्ट का। और एक और बात, जो हार्ट है पेट्रोमाइजन का, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रीम होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पास होती है। हार्ट के थ्रू सिर्फ ओनली एक स्ट्रीम क्या होगी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पास होगी। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है इन पेट्रोमाइजन और लेम्फ्रे। तो ये था ऑल अबाउट हार्ट ऑफ लेम्फ्रे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोमाइजन या लेम्फ्रे के वीनस सिस्टम के बारे में। तो अभी के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी करना। बाय।